ठीक है भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आर आयनिक बॉन्ड। जैसे कल आपने देखा था कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, बोले भाई ये रूल है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसको हमने लिखा था पहला बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपने लिखा था सेंट्रल एटम, बोलो भाई, और तीसरा लिखा था एक को डॉट से लिखेंगे तो दूसरे को क्रॉस से, सही है ना भाई। नेक्स्ट लिखे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसमें देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट ना बोल करके सबसे अधिक जो आपको स्पेशल नाम मिलेगा इसका ये वाला मिलेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है आशीष जी, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेट, और जब इलेक्ट्रोस्टेट पढ़िएगा दो चार्ज मिलेगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, या तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दीजिए या इलेक्ट्रोवैलेंट बोल दीजिए या फिर आयनिक बॉन्ड बोल दीजिए, ठीक है भाई। पहला लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमको दे दिया मॉलिक्यूल्स उसमें आयनिक बॉन्ड होगा या फिर जो भी बॉन्ड है, बात समझ रहे हैं। पहला लिखिएगा मेटल एंड, या लिखिएगा फॉर्म बिटवीन, ऐसे लिखिए फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी जो आयनिक बॉन्ड बनेगा किसके बीच बनेगा कृष्णा जी, मेटल और नॉन मेटल, और नॉन मेटल। मेटल का मतलब याद रखिएगा एस ब्लॉक, नाम सुने एस ब्लॉक का, और नॉन मेटल का याद रखिएगा पी ब्लॉक, ठीक है ना भैया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। सेकंड लिखिएगा, पहले बात समझ लो ध्यान से एक बार यार, आपने कहा मेटल, मेटल का मतलब आपने क्या कहा भाई, कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है भाई, पी ब्लॉक, सही है ना, नॉन मेटल का मतलब, नॉन मेटल। इसमें कौन आ गया भाई कृष्णा जी, पी ब्लॉक। आप लोग बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का नाम सुने हो, यस सर, आयनाइजेशन, यस सर, तो क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, इधर लो होगा सर, इधर हाई होगा, हम ये पूछे हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी सर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी, बस यानी इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है कृष्णा जी, यहाँ सुनिएगा ये एस ब्लॉक है और ये इधर इधर जाने पर आपका आंसर एनर्जी बढ़ेगा, तो कौन आसानी से दे देगा, कौन इलेक्ट्रॉन, सर नॉन मेटल, मेटल देगा, मेटल देगा, मेटल दे देगा, इधर ने आंसर एनर्जी बढ़ रही है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल होगा इसकी आंसर एनर्जी कम होगी, और अगर इसकी बात का आंसर एनर्जी हाई होगी, ये बात समझ रहे कृष्णा जी। वैसे अगर बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अफिनिटी होता क्या, पहले ये बताइए, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा सर, मेटल लेना चाहेगा, देखो आप इधर आओगे पता इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा सर, हाँ बोलिए, यस आयनाइजेशन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो लेना जल्दी चाहेगा जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो नोबल गैस के बराबर हो जाए, तो अगर मान लिया पे इधर का है इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा, Yes, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जल्दी से नोबल गैस के बराबर हो जाएगा ना, और ये उतना इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, मतलब इसके कंपैरिजन अगर किया जाए तब मेटल और नॉन मेटल का, नहीं समझे भाई, समझ गया सर। अगर बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, आपकी ज्यादा होगी या ब्लॉक की कम होगी, इसको ये भी बोल सकते हैं मोर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्या बोल सकते हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर कह दीजिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव, ध्यान देखो भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ना इसमें एक पॉजिटिव बनता है और एक नेगेटिव, इसलिए इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, ये लिखिए मत भाई, क्या लिख रहे हैं, क्या है आप, नहीं लिखा अभी, काम ही बोल ही रहे ना, अभी तुम लिखवा ही रहे, पहले पहली पॉइंट समझ गए, फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, अब अगर कोई कहे बताओ मेटल की आंसर एनर्जी क्या होगी भाई, कम होगी सर, और नॉन मेटल की आयनिक बॉन्ड के लिए आंसर एनर्जी क्या होनी चाहिए मेटल की, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होना चाहिए, यही बात लिख लीजिए थोड़ा, तो सेकंड पॉइंट लिखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, नाम सुनिए कृष्णा जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल शुड बी वेरी लो, शुड
बी वेरी लो, वेरी नहीं भाई, वेरी लो एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, आप लोग आई ई लिखा करें ना सर, नहीं समझ पाएंगे हम तो पूरा इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। आयनाइजेशन और भाई सप्तम जी कहाँ खोए हैं, एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल शुड बी वेरी हाई, अरे कपड़ आप बैठा सर इधर नहीं आगे, अरे दवाई ला रहा है सब देख रहे हैं सर, इधर खसक गया।